हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित कुमार गोस्वामी और आज हम PSM का LMR और जो एग्ज़ाम में आए हुए MCQ हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, बेसिकली FMG और PG एग्ज़ाम में जो बन लीनियर आते हैं उसके बारे में मेरा ये वीडियो है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, PSM के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और कौन कौन सी डिजीज़ में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो जैसे पैप स्मियर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं। ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम किसके लिए करते हैं, ब्रीस्ट कैंसर के लिए करते हैं। ठीक है, और उसके साथ मैमोग्राफी है, मैमोग्राफी हम ब्रीस्ट कैंसर के लिए करते हैं। ठीक है, बाई मैनुअल ओरल एग्जामिनेशन ओरल कैंसर के लिए करते हैं। एलिसा रैपिड सैंपल HIV के लिए करते हैं। यूरिन फॉर शुगर एंड रैंडम ब्लड शुगर Type 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए करते हैं। अल्फा फेटोप्रोटीन हम किसके लिए करते हैं, डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ फीटस। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए करते हैं। PSA हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए करते हैं। फीकल ऑकल्ट ब्लड कोलोरेक्टल कैंसर के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ डिजीज़ हैं और उनका एक्सपोजर किसकी वजह से होता है, जैसे एंथ्रेकोसिस कोल डस्ट की वजह से होती है, एस्बेस्टोसिस या बेस ऑफ लंग्स को इन्वॉल्व करती है एस्बेस्टोसिस, तो ये एस्बेस्टोस डस्ट या मीजोथीलियोमा करती है। बिसिनोसिस कॉटन फाइबर की वजह से होती है, बैगासोसिस शुगर कैन की वजह से होती है, बेरीलियोसिस बेरीलियम की वजह से, फार्मर लंग्स माउल्डी है बोलते हैं, सिलिकोसिस या TB ये अपर लोब को इन्वॉल्व करती है, सैंड या सिलिका डस्ट को, और एक्सरे पे हमें क्या मिलता है सिलिकोसिस में, XL कैल्सिफिकेशन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे सिडेरोसिस जो होती है, सिडेरोसिस मतलब आयरन डस्ट इसमें हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और IQ रेंज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा EDAT इज, तो ऑप्शन में होता है 0 से 24, 25 to 49 या 50 to 69, 72 से 79। या आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट भी कर सकता है, जैसे IQ का एक फार्मूला होता है उसको बोलते हैं हम मेंटल एज डिवाइड बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ओके, तो मेंटल एज आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, सपोज 5 है 6 है, और क्रॉनिकल एज मतलब जो रियल एज होती है हम उसको बोलते हैं, जैसे अगर 10 साल का बच्चा है तो उसकी क्रॉनिकल एज 10 साल हो गई, 15 साल का है तो 15 साल हो गई। ठीक है, 15 साल से ज़्यादा ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो EDAT हमारी रेंज कितनी होती है, 0 से 24 होती है। इम्बेसाइल हम कब बोलते हैं, 25 से 49 बोलते हैं। ओके, और मोरोन हम कब बोलते हैं, मोरोन हम बोलते हैं 50 से 69, मोरोन हो गया। बॉर्डर लाइन 70 से 79। लो नॉर्मल कब बोलेंगे, 80 to 89। नॉर्मल 90 से 109। सुपीरियर कब बोलेंगे बच्चे को हम, 110 से 119। वेरी सुपीरियर का बोलेंगे 120 से 139। नियर जीनियस का बोलेंगे 144 एंड ओवर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ वाइटल इवेंट हैं, जैसे वाइटल इवेंट की अगर हम बात करें तो जैसे जो बर्थ होता है हमें रजिस्ट्रेशन उसके 21 डेज के अंदर हमें करना पड़ता है, डेथ का भी रजिस्ट्रेशन 21 डेज, मैरिज का हमें 30 दिन, 30 डेज, प्रेगनेंसी में नॉट लेजिस्लेशन येट। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी निमोनिक है बासु। ठीक है, आप बासु से याद कर सकते हो। टाइफॉइड फर्स्ट वीक पे हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीक पे एग्लूटिनेशन टेस्ट विडाल टेस्ट करते हैं। थर्ड वीक पे हम क्या करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, स्टूल का कल्चर, और फोर्थ वीक पे यूरिन कल्चर करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि पूछा था फर्स्ट वीक पे विच टेस्ट ब्लड कल्चर, फोर्थ वीक पे यूरिन कल्चर। ओके, रिमेंबर। नाओ आगे बढ़ते हैं हम, कुछ यहाँ पे बीमारियाँ हैं, डिजीज़ और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यह टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम वन बाई वन इसको रीड करते हैं। ठीक है, पहला है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स किससे होता है, HHV वायरस 3, ह्यूमन हर्पिस वायरस 3, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 से 16 दिन होता है। ठीक है, 14 to 16 days। देन मीजल्स है, रूबियोला, मीजल्स पॉजिटिव एजेंट RNA पैरामिक्सो वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, 10 to 14 days। ओके, देन है रूबेला जर्मन मीजल्स, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, RNA टोगा वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 40 से 21 डेज़।
उसके बाद आता है यहाँ पे मम्स। मम्स को क्या बोलते हैं, आरएनए पैरामिक्सोवायरस, इसका कॉजेटिव एजेंट है और ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 40 से 21 डेज़। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का कॉजिटिव एजेंट क्या है, ऑर्थोमिक्सोवायरस, ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 18 to 72 आवर। डिफ्थीरिया कॉजिटिव कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज़। पर्टूसिस किससे होता है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस से होता है। येलो फीवर किससे होता है, फ्लेवी वायरस से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज़। येलो फीवर रिमेंबर वैक्सीन वैक्सीन का क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्टिफिकेट का पूछते हैं वो, ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस पॉजिटिव एजेंट ग्रुप ए अरबोवायरस। KFD का क्या होता है, अरबोवायरस। रेबीज का क्या है, लिस्सा वायरस टाइप वन, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक्स। कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन होता है। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस बुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई से होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 17 डेज होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टीबी के बारे में, ठीक है। तो टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है टीबी, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 1 ईयर में होता है, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो वायरस जिसको बोलते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है, इसका भी 10 से 14 दिन है। डेंगू अरबो वायरस से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 15 दिन है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 17 दिन होता है। और मलेरिया का एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वेराइटी होती है, सबसे डेंजर वेराइटी है जिसको बोलते हैं, इसका 9 से 14 दिन होता है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया का 18 से 40 दिन होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और प्लाज्मोडियम जो ओवल होता है, प्लाज्मोडियम ओवल का 16 से 18 दिन होता है। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइनिंग स्टेफ ओरियस से होती है, इसका 1 से 6 घंटे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेफ ओरियस। टिटनेस का पॉजिटिव क्लोस्टिडियम टिटेनी, इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन। एच आई वी या HTLV थर्ड या LAB, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है, मंथ से 10 ईयर तक हो सकता है। लीस्मानिया का पॉजिटिव एजेंट लीस्मानिया डोनोवानी, 1 से 4 महीने तक। प्लेग या निमोनिक प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है प्लेग का, 2 से 7 दिन या 1 से 3 दिन तक भी बोल सकते हैं। एस्केरियसिस की बात करें तो ये हो सकती है एस्केरियसिस लम्ब्रिकॉइड्स, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 महीने होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ सिंपल डेफिनेशन है, जैसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पीपल इंटरेक्टिंग फेस टू फेस नॉन एज ग्रुप डिस्कशन। आमने सामने अगर हम बात करें फेस टू फेस मिला के, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप डिस्कशन। एक होता है पैनल डिस्कशन, जैसे हमने टीवी पे देखा होगा लोग आते हैं, जैसे आज तक है या कोई भी चैनल आप ले सकते हैं जो भी इंडिया के चैनल हैं, तो जैसे पैनल में क्या होता है, 4 से 8 लोग टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, 4 से 8 लोग मिलके ऑडियंस के सामने बैठते हैं। फिर होता है सिंपोजियम, सीरीज ऑफ स्पीच ऑन ए सेलेक्टेड सब्जेक्ट बाई डिफरेंट पर्सन इन ए सिंगल मीट, ओके, इसको बोलते हैं सिंपोजियम। वर्कशॉप क्या होता है, सीरीज ऑफ मोर देन 4 मीटिंग यूजली मीट फॉर ए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम वर्कशॉप देते हैं। उसके बाद होता है लेवल ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, ड्रिंकिंग वाटर में रेजिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए, मोर देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, मोर देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। स्विमिंग पूल में सैनिटेशन के कितना होना चाहिए क्लोरीन लेवल, मोर देन 1 मिलीग्राम पर लीटर। ड्रिंकिंग वाटर में साइक्लोप्स को किल करने के लिए मोर देन 2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैक्टर और डिजीज ट्रांसमिटेड बाई, जो हाउस फ्लाई होती है उसको हम बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज़ करती है, ये करती है एंथ्रैक्स, यॉस और ट्रैकोमा। सेकंड होती है सैंड फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, फ्लेबेटमस और अर्जेंटिपस, ठीक है, ये क्या करती है, काला आजार और ओरिएंटल सॉल करती है, ये हमें रटना है, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और सीसी फ्लाई जिसको हम बोलते हैं ग्लोसिना पायलपेलिस, ये क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका। रेडोविडवग क्या करती है, चागास डिजीज करती है। ब्लैक फ्लाई या सिमलम, ये क्या करती है, ओंकोसर्सियासिस या रिवर ब्लाइंडनेस। सॉफ्ट टिक क्या करती है, सॉफ्ट टिक KFD करेगी आउटसाइड इंडिया, क्यू फीवर रिलैप्सिंग फीवर कर सकती है। हार्ट टिक क्या करती है, KFD इन इंडिया और इंडियन टिक टाइपस। प्लेग क्या करेगा, यहाँ पे फ्ली जो होता है
फिली हमें क्या करती है, प्लेग करती है और म्यूरिन टाइफस कर देती है। माइट क्या करता है, स्क्रब टाइफस और रिकेट्सल पॉक्स। लाउस क्या करता है, एपिडेमिक टाइफस, ट्रेंच फीवर और रिलैप्सिंग फीवर। एडीज मॉस्किटो क्या करेगा, डेंगू कर सकता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, ठीक है। एडीज मॉस्किटो डेंगू कर सकता है, डेंगू हीमोरेजिक फीवर कर सकता है, येलो फीवर, चिकनगुनिया कर सकता है। एनोफिलीज क्या करेगा, मलेरिया, फाइलेरिया। हॉर्स फ्लाई क्या करेगा, लोआ, ठीक है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, ब्रैंकोफ्टियन फाइलेरियासिस और जापानीज एंसेफलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर और वायरल एंसेफलाइटिस। उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। बीएमआई का पूछा जाता है, बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ओके। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेट इन केजी। सपोज 60 किलो का इंसान है तो उसका हम यहाँ पे 60 केजी रखते हैं। हाइट उसकी सपोज 170 सेंटीमीटर है तो हम डिवाइड करते हैं 1.7 × 1.7। तो जो भी हमारी वैल्यू आती है, सपोज हमारी वैल्यू अगर 18.5 से कम आती है, लेस देन 18.5 से, तो हम उसको अंडरवेट बोलेंगे। अगर हमारी बीएमआई की वैल्यू 18.5 से 25 आती है तो इसको नॉर्मल बीएमआई बोलेंगे। अगर ये प्री ओबीज है तो 25 से 30 ओबेसिटी जो है हम इसको बोलते हैं, मोर देन 30। और जो बीएमआई हम ये पढ़ रहे हैं, ये डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें रिमेंबर रखना है। उसके बाद बात करें पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स का कितने दिन होता है, 2 डे बिफोर रेस, 5 डे आफ्टर, ठीक है। मीजल्स 4 डे बिफोर रेस एंड 5 डे आफ्टर। H1N1 1 डे सिम्टम्स एंड 7 डे आफ्टर, ओके। तो चिकन पॉक्स की हमें निमोनिक याद कर सकते हैं 25, ठीक है, और मीजल्स की हम यहाँ पे याद कर सकते हैं 45, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो हमें यहाँ पे रिमेंबर रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा का यहाँ पे पूछा हुआ है तो हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा का होता है 1 डे सिम्टम्स 1 डे आफ्टर, ठीक है। डिफ्थीरिया 14 to 28 डे और टर्मिनेशन ऑफ कैरियर स्टेट। स्कारलेट फीवर टिल टर्मिनेशन ऑफ कैरियर स्टेट। टिटनेस का नन, HIV का लाइफ लॉन्ग रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कुछ वैक्सीन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वैक्सीन में लाइव वैक्सीन है, जैसे OPV तो हम उसको बोलते हैं सेविन, और जो किल्ड होती है उसको बोलते हैं साल्क, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइव में मम्स है, मीजल्स है, रूबेला है, OPV है, येलो फीवर है, टाइफॉइड है, BCG है, चिकन पॉक्स है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, प्लेग है, वेरिसेला है, एपिडेमिक टाइफस है, ठीक है। ये सारी हमारी किस में आती हैं, लाइव वैक्सीन में आती हैं, ठीक है। किल्ड में हमारे कोलरा है, प्लेग है, IPV है, पोलियो की हेपेटाइटिस ए है, पर्टूसिस है, रेबीज है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, किल्ड प्लेग है, या किल्ड इन्फ्लुएंजा, जापानीज एंसेफलाइटिस, कायानासुर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉक्सॉइड हैं, जैसे टॉक्सॉइड में क्या क्या आता है ये भी हमें याद रखना है। डिप्थीरिया आता है एंड टिटनेस टॉक्सॉइड आता है। कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, जैसे DPT को MMR, ठीक है, मीजल्स मम्स रूबेला टैब और DPTB, जैसे मिशन इंद्रधनुष के तहत हम देते हैं, ये कंबाइंड वैक्सीन होती हैं, ठीक है। तो ये हमें टेबल है, इसको याद करना पड़ेगा, इसकी निमोनिक भी है वो भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार इस बार भी आया था एग्जाम में, ट्राइज की बात करते हैं, ठीक है। FMG में भी पूछा हुआ था ये। ट्राइज का मतलब क्या होता है, रैपिडली क्लासीफाई द इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, ये याद रखना है, सीवियरिटी के बेस पे ऑफ देयर इंजरी एंड द लाइकलीहुड ऑफ द सर्विलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी होती हैं, जैसे एक होती है रेड कैटेगरी ट्राइज की, ठीक है। ट्राइज की कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो है रेड कैटेगरी, इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, लाइफ और लिम्ब सेविंग सर्जरी बोलते हैं, इसमें मरीज को हमें तुरंत भर्ती करना पड़ेगा, जो हम रेड कैटेगरी में लाएंगे। येलो वालों को मीडियम प्रायोरिटी देते हैं हम, ये ट्राइज हैं, मतलब पेशेंट को हम सेग्रीगेट करते हैं कि इसको रेड ट्राइज देते हैं, इसको येलो, इसको ब्लैक। तो इसमें कैन सर्वाइव 4 to 6 आवर विदाउट मेडिकल अटेंशन। जो ग्रीन पेशेंट होते हैं उनको एम्बुलेटरी पेशेंट बोलते हैं, मतलब कम वॉकिंग बाउंड होता है उनको, ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और जो ब्लैक ट्राइज होता है वो डेथ पेशेंट होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कुछ टर्म है, जैसे एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, अक्रेंस ऑफ ए डिजीज़ क्लियरली इन एक्सेस ऑफ यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। सेकंड होता है एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज़ इन ए एरिया, इसको बोलेंगे एंडेमिक। थर्ड होता है पेंडेमिक,
पैंडेमिक का मतलब होता है एन एपिडेमिक यूजली अकरिंग ओवर ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इसको बोलते हैं पैंडेमिक। एग्जॉटिक डिजीज नॉट प्रेजेंट इन ए कंट्री और ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम आउटसाइड से लाते हैं उसको बोलते हैं एग्जॉटिक। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं हेल्थ की। जैसे 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, एंटी लेप्रोसी डे पूछा जाता है। लेप्रोसी डे कब मनाते हैं, 30 जनवरी। नो स्मोकिंग डे कब होता है, 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च। या 31 मई को भी मनाते हैं, ठीक है, 31 मई। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 15 मार्च। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ भी है, 24 मार्च को एंटी टीवी डे कब मनाते हैं हम, एंटी टीवी डे कब मनाते हैं, 24 मार्च। 7 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 8 मई को क्या होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नो टबाको डे 31 मई। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 1 जुलाई डॉक्टर डे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे। ओके, ये हमें याद करना पड़ेगा, रिमेंबर एक टाइप से, मतलब आपको देखना है और दिमाग में आ जाता है। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे। ओके, 2nd वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर ब्लड वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे, ठीक है, डिजास्टर मतलब भूकंप वगैरह आता है उसको हम रिडक्शन कर सकें। 9 अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य। 24 यूएन डे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। 10 नवंबर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। 25 नवंबर इंटरनेशनल डे एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वुमेंस के अगेंस्ट हमें वायलेशन को रोकना है। 1 दिसंबर एड्स डे पूछा जाता है। और 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्सन। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। ओके, ये इंपॉर्टेंट डे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पहले फार्मूले की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट फार्मूला है IMR का, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, IMR। तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेड इंटू 1000 और नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। MMR सेकंड होता है MMR, बस हमें यहाँ याद रखना है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ। बट यहाँ पे रेशियो जो होता है वो 1 लैक्स में देखते हैं, कितने में, 1 लैक्स। ये क्वेश्चन एम्स में, एग्जाम PG में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेल इंटू 1000। ओके, एंड इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस, ठीक है, न्यू केस डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस मतलब कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केस इंटू 100, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। केस फैटेलिटी रेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाई नंबर ऑफ केसेस इंटू 100, ये याद रखना है हमें इंडिकेटर। ओके, रिलेटिव रिस्क कैसे निकालते हैं, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज रेशियो होता है इसको, ठीक है। तो ये तो थे एक न्यूमेरिकल और थोड़ा डिटेल वेस क्वेश्चन। नाउ हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी 1x1 डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वन लीनियर हैं तो इनको हम एक बार रीड करते जाएंगे, आपको भी रीड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी कितना होता है, 600 मिलीग्राम। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी इन लैक्टेटिंग मदर कितनी होती है, 500 से 600 कैलोरी पर डे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इंडिया में क्या है, MMR का हीमोरेज। एग प्रोटीन क्वालिटी 100% होती है और हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन किस में होता है, एग में होता है। हाईएस्ट क्वांटिटी प्रोटीन सोयाबीन में कितने परसेंट होता है, 43। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ककितनी होती है ह्यूमन को, 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। ये डाटा अभी 2020 का न्यूट्रिशन का अपडेट आया हुआ है, जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट एंड नीन मॉड्यूल और एम्स ने अभी मिलकर गाइडलाइन जारी करी है, बट वो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसके लिए ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। जैसे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मोड होगी, जैसे कोई भी आपको सीरीज देता है 3, 3, 5, 2, 7, तो 3, 3 दो बार आ रहा है तो इसको मोड बोलेंगे। सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं मीन, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे 2+3+5, ठीक है, डिवाइड बाई जो भी हैं 3, तो जो भी आएगा उसको मीन बोलेंगे। मिडिल वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसको मीडियन बोलते हैं।
एज एट विच ए पर्सन इज कंसिडर्ड इज डिपेंडेंट एज एज बिलो 15 ईयर और अबव 65। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, ओके 11 क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स इंक्लूड लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और इनकम इंडेक्स। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है येलो फीवर का, बहुत बार पूछा हुआ है, 2 से 6 दिन तक याद रखना है। डिजीज नोटिफाइबल टू WHO, इस बार MCI का क्वेश्चन आया था। कोलेरा प्लेग येलो फीवर, इनको WHO को नोटिफाई करना है। इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स 2 डे प्रियर 5 डे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश, मैंने बताया था निमोनिक है 25। स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेटेड हुआ था मई 1980। रिसेंटली एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया से क्या क्या एलिमिनेट हुआ है रिसेंटली, यॉस हुआ है 2007 में, लेप्रोसी 2005 में, गुनिया वर्म ड्रैकन क्लोसिस 2000 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल है भी अचीव 2015, अब ये बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। सेंटिनल सर्विलेंस यूज टू असेस हिडन और मिसिंग केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस इज फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। 21 क्रॉनिक कैरियर स्टेट किस किस में मिलते हैं, क्रॉनिक कैरियर जैसे टाइफाइड में मिल सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस, मलेरिया और गोनोरिया। सुलिवान इंडेक्स क्या होता है, सुलिवान इंडेक्स प्रोवाइड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस प्रोबेबली ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी, ओके। उसके बाद बात करते हैं सीवियरिटी ऑफ डिजीज, बेस्ट असेस केस फैटेलिटी रेट। सुलिवान इंडेक्स मेजर ऑफ डिसेबिलिटी रेट, किलिंग पावर ऑफ ए डिजीज को क्या बोलते हैं, केस फैटेलिटी रेट, इंपॉर्टेंट है ये। अटैक रेट क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज। सर्विलेंस इज कंटिन्यूस स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ए डिजीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQLI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMR होता है इसमें, लिटरेसी रेट होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। ये UPSC में भी आया था, FMG में भी, PG में, बहुत हर जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो PQLI में क्या क्या था, IMR, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 साल, ठीक है। मोस्ट कॉमन न्योनेटल डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन, न्योनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। पर्सन कैन नॉट परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटी विच टू बी नॉर्मल फॉर एज, इसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल लॉस। हैंडीकैप लॉस ऑफ सोशल सपोज टू प्ले इन सोसाइटी, ओके। सोसाइटी में वो काम नहीं कर पाते, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है 33 पे डिजीज, ठीक है। डिजीज का मतलब क्या होता है, एनी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेट इम्पेयर फंक्शन। करेक्ट सिक्वेंस की बात करते हैं, डिजीज इम्पेयर डिसेबिलिटी हैंडीकैप। ओबेसिटी मेजर कैसे करते हैं, BMI, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI ये हमने पढ़ी लिया, लेस देन 18 होता है अंडर वेट का, नॉर्मल 80 से 24, प्री ओबीज 25 से 29, और प्री ओबीज ग्रेड 1 30 से 40, और 35 से 39, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ये WHO का क्लासिफिकेशन, ये हमें याद रखना है, ठीक है। साइलेंट एपिडेमिक ऑफ सेंचुरी कौन सी है, अल्जाइमर डिजीज। मीजल्स में कॉपलिक स्पॉट मिलता है। इंक्यूबेशन क्रिएट कितना होता है, 10 से 14 दिन। RNA पैरामिक्सो वायरस होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है मीजल्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें याद रखना है, ओटाइटिस मीडिया। और लीस्ट कॉमन क्या है, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एंसेफलाइटिस, SSPE। इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का अगर एवरेज पूछता है 10 डेज मानना है। रेस्पिरेबल डस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर निमोकोनियोसिस है, लिमिट ऑफ लेस देन 5 माइक्रोन। निमोकोनियोसिस का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रोन कॉजिंग फाइब्रोसिस टू लंग्स टिश्यू। मोस्ट कॉमन निमोकोनियोसिस इंडिया में सिलिकोसिस है। मोस्ट कॉमन लंग्स कैंसर इन निमोकोनियोसिस एस्बेस्टोसिस है। मिड डे मील में क्या होता है, याद रखना है, 1/3 कैलोरी होती है, 1/2 प्रोटीन होती है, ठीक है। हमें याद रखना है, प्रोटीन ज़्यादा होती है मिड डे मील के प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मल्टीप्लाई बट कॉम्प्लेक्स इज डेवलपमेंटल साइकिल इज द होस्ट माइक्रोफाइलेरिया। ये डायरेक्ट मैंने जो था क्वेश्चन का आंसर है इसमें। और एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जापानीज एंसेफलाइटिस या KFD का क्या है, पिग है। होस्ट फॉर चिकनगुनिया मैन।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, हम बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना जरूरी है, ठीक है, माँ का दूध 6 महीने तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्शन एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर इन मेनली ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड, डिजीज अक्रिंग बिफोर द एज ऑफ 65, प्री सिनाइल बोलते हैं। सेंसिटिविटी, ट्रू सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव को मेजर करती है। क्वेश्चन आएगा सेंसिटिविटी इज मेजर बाई ट्रू पॉजिटिव, स्पेसिटी इज मेजर बाई ट्रू नेगेटिव। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाई मेडिकल प्रोफेशन इन हॉस्पिटल सेटअप, इसको बोलते हैं हैंड वॉशिंग। हाथ धोएंगे तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फास्ट क्वेश्चनरी यूज फॉर डायग्नोस, एल्कोहलिक में यूज करते हैं। प्रोग्राम फॉर डिज़ाइन फॉर बेनिफिट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन एंड इन्फेंट, जननी सुरक्षा योजना। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री IMR। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन इंडिया, लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे बात करते हैं, हेल्थ असिस्टेंट शुड विजिट टू सब सेंटर वंस इन एवरी वीक, जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं उनको हर हफ्ते जाना चाहिए। हु विल प्रिपेयर मलेरियल पैरासाइट स्मियर स्लाइड, हेल्थ असिस्टेंट मेल। चैंडलर इंडेक्स यूज फॉर हुकबर्म, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, नंबर ऑफ हुकबर्म एग पर ग्राम ऑफ स्टूल कितना, अगर 250 से ज़्यादा होते हैं एग तो हम इसको डेंजरस बोलते हैं, ठीक है। सोशली अटेंड बिहेवियर, इसको क्या बोलते हैं, सोशली अटेंडेड बिहेवियर, इसको बोलते हैं कल्चर। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल। HDI लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 होती है, हमें याद रखना है। क्वेश्चन आता है HDI और इनकम पर कैपिटा और लिटरेसी रेट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर डेवलपमेंटल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है, प्राइमोडियल। पेशेंट इज मेड टू वॉक अर्ली आफ्टर सर्जरी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिहेबिलिटेशन। एंडेमिक ऑफ ए डिजीज मीन्स कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन में है, इसको बोलते हैं एंडेमिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस टू फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। भोपाल गैस ट्रेजडी क्या है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल में क्या क्या आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल, एजुकेशन स्टेटस ऑफ हेड ऑफ फैमिली और ऑक्यूपेशन स्टेटस ऑफ हेड ऑफ फैमिली, ठीक है, और डिवाइड बाई इनकम पर कैपिटा पर मंथ, इसको निकालते हैं मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल। केस फर्टिलिटी रेट कैसे डिवाइड करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए डिजीज और टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू ए डिजीज इंटू 100। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में क्या होता है, होस्ट एनवायरमेंट और फैक्टर एजेंट, ठीक है, होस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर और एजेंट। When a child is lost in hand, unable to do routine work, called impairment. Child अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं impairment. Natural history of a disease study by longitudinal study. Okay? उसके बाद करते हैं बात, disease elimination means preventing the transmission chain. ठीक है, disease elimination means preventing the transmission chain. ठीक है, जो transmission की chain है उसको हम prevent करते हैं। लेप्रोसी इज कंसिडर्ड ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इफ प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी लेस देन 1 था, ठीक है। इन इंडिया विच डिजीज इज नियर टू इरेडिकेशन, पोलियो। ओके, ये हमें याद रखना है। विच इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, सपोर्ट इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन। आयोडीन सॉल्ट सप्लीमेंटेशन, अगर हम आयोडीन का सॉल्ट खाते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है, अमीबियासिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंट प्राइमरी। सर्विलेंस क्या है, स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर है। मॉर्बिडिटी हम किससे मेजर करते हैं, एक्टिव सर्विलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पल्मोनरी टीबी ड्रग कौन कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन होती है, पायरीजिनामाइड 750, आइसोनियाजाइड, एथाम्बुटोल। इस बार नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आया है, उसमें गाइडलाइन कुछ चेंज हुई है। सीरियल इंटरवल हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस। हाइपोथेसिस इज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड। केस फर्टिलिटी इज मेथड मेजरिंग विरुलेंस। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं।
ए ग्राफ शो यूनिफॉर्म कर्व नो सेकेंडरी कर्व, इसको बोलते हैं पॉइंट एपिडेमिक। 89 रैपिड राइज एंड फॉल इन एपिडेमिक कर्व विदाउट एनी सेकेंडरी वेव सीन इन पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, 90। केस कंट्रोल स्टडी इज ए टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी। रिकॉल बायस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड केस कंट्रोल, रिकॉल बायस याद रखना है। इंसिडेंट रेट कोहोर्ट में मेजर करते हैं। इंसिडेंट रेट कैलकुलेटेड प्रोस्पेक्टिव स्टडी। इंसिडेंस रेट डिफाइन ए नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ ए डिजीज इन ए कम्युनिटी। हमें याद रखना है इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू केस, प्रीवलेंस इंसिडेंस, ओल्ड प्लस न्यू केस। रिलेटिव रिस्क, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज और इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज। ओके, उसके बाद रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोहोर्ट स्टडी से। प्रीवलेंस इज ए प्रोपोर्शन एंड कैलकुलेशन बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑड्स रेशियो किससे कैलकुलेट करते हैं, केस कंट्रोल से। ऑड्स रेशियो ड्राइव फ्रॉम रिलेटिव रिस्क। स्टडी ऑफ एल्कोहल इनटेक फॉर 10 ईयर एंड अकरिंग ऑफ हिपेटिक डिजीज टाइप ऑफ स्टडी। मान लो कोई भी बंदा था वो 10 साल से एल्कोहल पी रहा था, उसको लीवर की कोई बीमारी हो गई, तो उसको बोलते हैं कोहोर्ट स्टडी। डबल ब्लाइंड स्टडी का मतलब क्या होता है, बोथ ऑब्जर्वर एंड पर्सन ऑन ग्रुप बींग ऑब्जर्व इन ब्लाइंड अबाउट द स्टडी। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्वेश्चन क्या है 102। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड इज मेनली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। सीरियल इंटरवल मीन्स डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस को क्या बोलते हैं, सीरियल इंटरवल। हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी इज क्रॉस ओवर स्टडी। हर्ड इम्यूनिटी किसमें मिलती है हमें, हर्ड, पोलियो, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स और जैसे कोरोना भी चल रहा है। और हर्ड इम्यूनिटी नॉट सीन, ये क्वेश्चन पूछा है, टिटनेस में नहीं मिलती है, ठीक है, टिटनेस लीथल होता है। वैक्सीन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन एंड शॉक। डीपीटी का साइड इफेक्ट क्या है, एलर्जी और शॉक हो सकता है। टॉक्स ऑल लाइव वैक्सीन एंड मेनिंगोकोकल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये रिमेंबर रखना है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 109, ठीक है 109। है BCG should be given immediately after birth। BCG को हम बर्थ के आफ्टर में देते हैं, ठीक है याद रखना है। हिपेटाइटिस बी कब कब देते हैं, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे, 6 मंथ पे देते हैं। टोटल डोज ऑफ विटामिन ए कितना देना है, 9 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, 0, 3, 7, 14, 28 देना है। BCG और H इन्फ्लुएंजा येलो फीवर इज डायलेटेड किस में करते हैं, हम नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। BCG की जो वैक्सीन होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, H इन्फ्लुएंजा और येलो फीवर, इसको हम किससे डायल्यूट करते हैं, नॉर्मल सेलाइन से करते हैं। मीजल्स MMR वैक्सीन किससे डायल्यूट करते हैं, डिस्टिल वाटर और स्टराइल वाटर से। विटामिन ए शुड बी गिवन कब देते हैं, विटामिन ए 6 से 9 महीने पर देते हैं। रेबीज वैक्सीन प्रिपेयर फ्रॉम फिक्स वायरस। एंटी सेरा ऑप्टेन फ्रॉम हॉर्स। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, बेबी का क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, इसको हम खीज भी बोलते हैं। 119 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन चिल्ड्रेन। 7 पोलियो वैक्सीन कैन पैरालिसिस। ओके, उसके बाद 120 क्वेश्चन आता है यहाँ पे। 120 है, 9 मंथ ओल्ड अन इम्यूनाइज चाइल्ड है वाज ब्रॉट टू डिस्पेंसरी, वैक्सीन शुड बी गिवन टू द बेबी फर्स्ट। तो हम इसको 9 महीने का है, इम्यूनाइज नहीं हुआ है, तो हम सबसे पहले उसको OPV देंगे, ओरल पोलियो, BCG देंगे, DPT और मीजल्स। लेप्रोसी कॉमनली स्प्रेड बाय मिल्क से होती है। येलो फीवर वैक्सीनेशन स्टार्ट आफ्टर हाउ मेनी डे ऑफ इंजेक्शन, 10 डेज। ओके, ये पूछा स्टार्ट, ये क्वेश्चन याद रखना है। रिंग वैक्सीनेशन इज गिविन अराउंड 100 yards ऑफ ए केस डिटेक्टेड। ए फुल कोर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस विद 3 डोज ऑफ TT कन्फर्म इम्यूनिटी फॉर हाउ मेनी ईयर, 5 ईयर। वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज नोज ड्रॉप, हम नाक के थ्रू कौन सा वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा। गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन, 2 लाइव वैक्सीन हैं, अगर हम उनको देते हैं तो 4 वीक का गैप होना चाहिए। BCG हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, ठीक है। बेस्ट वे टू स्टेराइल ग्लास सिरिंज इज हॉट एयर। कोल्ड स्टरलाइजेशन डन बाई आयोनाइजिंग रेडिएशन। सर्जिकल ब्लेड्स आर बेस्ट स्टरलाइज ऑटोक्लेव। फाइबर ऑप्टिक स्कोप ग्लूटल LDI, ठीक है, जैसे एंडोस्कोप वगैरह होते हैं। ट्रू पॉजिटिव रेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज 1, फॉल्स नेगेटिव होती है।
टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम स्मियर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है तो बहुत बार। सेंसिटिविटी को क्या मेजर करती है, ट्रू पॉजिटिव। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिफर फॉर T2DM टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस फास्टिंग ब्लड शुगर। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया AFB एसिड फास्ट बेसिला स्पूटम लेते हैं। ट्रू नेगेटिव स्पेसिटी चेक करती है, ठीक है। उसके बाद 138 पे आते हैं हम। 138 पर हाई फॉल्स पॉजिटिव केस सिग्निफाई डेट डिजीज हैज हाई इंसिडेंस लो प्रिविलेंस। फॉल्स नेगेटिव मींस का मतलब क्या होता है, पर्सन हैज़ डिजीज बट शो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट। हाई फॉल्स पॉजिटिव, हाई फॉल्स पॉजिटिव इज इन ए टेस्ट ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ ए टेस्ट किस पर डिपेंड होती है, प्रिविलेंस ऑफ डिजीज पे होती है। इन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डायबिटीज डायग्नोसिस बेन प्लाज्मा ग्लूकोज। अगर प्लाज्मा ग्लूकोज 200 से ज़्यादा होता है तो हम डायबिटीज को डायग्नोस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO ब्लाइंडनेस इज इन एबिलिटी टू काउंट फिंगर एट डिस्टेंस 3 meters। दिस क्वेश्चन आस्क इन दिस ईयर FMG। चाइनीज लाइट पैटर्न, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ बेसिला इसमें मिलता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। बेस्ट स्पेसिमेन फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इन लिविंग पर्सन ऑफ बायोप्सी स्किन फॉलिकल ऑन नेक से लेते हैं। कॉपलिक स्पॉट किसमें मिलता है, कॉपलिक स्पॉट मीजल्स। नेग्री बॉडी या हाइड्रोफोबिया किसमें मिलता है, रेबीज। बुल नेक अपीरियंस किसमें मिलता है, डिप्थीरिया। सब SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एंसेफलाइटिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई सैंड फ्लाई। पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी कब होता है, हेपेटाइटिस बी का सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन 3rd trimester पे होता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ओके। फॉर डेंगू डायग्नोसिस ऑफ पेटेचियल स्पॉट पर स्क्वायर इंच क्यूबाइटल फोसा में हम डेंगू, अगर आपके पेटेचियल स्पॉट बन जाते हैं 20 से ज़्यादा तो हम डेंगू का डायग्नोस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन एड्स न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट लेडीज विद सेरिब्रल मलेरिया क्यूनिन। रिजर्वॉयर फॉर चिकनगुनिया प्राइमेट। मोस्ट कॉमन साइट फॉर हाइड्रेटेड सिस्ट इन ह्यूमन बॉडी राइट पोस्टीरियर सुपीरियर लोब ऑफ लीवर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर LGB डॉक्सीसाइक्लिन। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV प्रोग्रेशन इन बॉडी इज CD4 CD8 रेशियो। डोज ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी होती है, 20 international units पर kg बॉडी वेट। साइक्लोप्स आर फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन कुलियासिस। चेंडर इंडेक्स इसके लिए यूज करते हैं, हुकवर्म के लिए। वेक्टर फॉर डेंगू फीवर एडीज। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी। उसके बाद करते हैं मेजर साइड इफेक्ट क्या है रिफाम्बिसिन का, हेपेटाइटिस। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटॉल कलर ब्लाइंडनेस कर सकती है और ऑप्टिक न्यूराइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथाम्ब्यूटॉल का साइड इफेक्ट क्या है, कलर ब्लाइंडनेस और ऑप्टिक न्यूराइटिस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। एंटेरिक फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटरैक्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलरा इन एडल्ट्स डॉक्सीसाइक्लिन। टाइफॉइड अल्सर कब परफोरेट होते हैं, 3rd week में। वायरस कॉजिंग रेबीज इन मैन स्ट्रीट वायरस। क्यू फीवर कॉज बाई कॉक्जिला वर्नेटी। टिक ट्रांसमिटेड बाई रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। पोलियोमाइलेटिस इज ट्रांसमिटेड बाई फीकल ओरल रूट, ओके। ये हमें सारे पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद है मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड लंग्स कैंसर है। सर्टिफिकेट ऑफ येलो फीवर इज वैलिड ऑफ टू ड्यूरेशन ऑफ अभी लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, ये याद रखना है। सेफ का मतलब क्या होता है, सर्जरी एंटीबायोटिक फेशियल वॉशिंग एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज एसोसिएटेड विद हायर मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस ई। रिजर्वॉयर फॉर मीजल्स का क्या होता है, मैन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 days होता है। कॉपलिक स्पॉट अपीयर प्रोड्रोमल स्टेज इन मीजल्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। डिप्थीरिया कैरियर आर डायग्नोज बाई थ्रोट कल्चर। सिक टेस्ट इंडिकेट कैरियर फॉर डिप्थीरिया, ओके। उसके बाद आते हैं 184 पे। ट्रीटमेंट फॉर पर्टुसिस इन चिल्ड्रेन। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं हम 10 दिन तक। चाइल्ड विद पर्टुसिस शुड बी आइसोलेट 3 to 4 weeks। कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए करते हैं रिफाम्पिसिन। इन ए TBA केस स्पूटम पॉजिटिव होता है। पोलियो इज ड्यू टू वायरस की वजह से होता है। WHO का ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। उसमें सोडियम कितना होता है, 90 mEq/L। ग्लूकोज 111 kcal। सोडियम क्लोराइड 3.5। पोटेशियम सिट्रेट 2.9 ग्राम।
पोटेशियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम, पोटेशियम 20 मिली इक्विवेलेंट, टोटल मिलीमोल 311। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड ओरल वैक्सीन कब देते हैं? 1-3-5 डे पर देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, टेट्रासाइक्लिन। गुनियाबम इन्फेस्टेशन इज कॉमनली इन बर्कर ऑफ स्टेप बॉल। उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर कौन सा होता है? टर्सरी केयर। इन्फेक्टिव पीरियड ऑफ डेंगू फीवर 10 से 20 दिन। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फीमेल एनोफिलीज स्टेफिस से होता है। अर्बन मलेरिया बोलते हैं या एनोफिलीज डायरस। मलेरियल पैरासाइट इन इंडिया बाइवैक्स और फैल्सीफेरम मलेरिया करते हैं। एंटी मलेरिया मंथ कौन सा है? जून में मनाते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये UPSC का क्वेश्चन था इस बार। वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ब्रोंकोफिलस मलेरिया क्यूलेक्स फैटिगेंस। ओके, क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फाइलेरियस 8 से 16 मंथ। ओके, उसके बाद बात करते हैं इन केस ऑफ डॉग बाइट द बिटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट 10 डेज। इन इंडिया रेबीज फ्री जोन कौन सा होता है? लक्षद्वीप में रेबीज नहीं है। वैक्सीन फॉर येलो फीवर 17 डे, याद रखना है। येलो फीवर वैक्सीनेशन स्टार्ट प्रोटेक्शन आफ्टर हाउ मेनी डे ऑफ इंजेक्शन? 10 डेज, ये पूछा है। स्टार्ट ठीक है। येलो फीवर वैक्सीनेशन वैलिड लाइफ लॉन्ग, ठीक है, नॉट 10 ईयर, लाइफ लॉन्ग। जापानीज एंसेफेलाइटिस क्या क्या करता है? क्यूलेक्स, राइस फील्ड, हॉर्स शो सिम्टम्स करता है। KFD किससे ट्रांसमिटेड होता है? टिक से होता है। मैक्सिमम एक्सप्लोसिवनेस ऑफ प्लेग इज डिटरमाइंड बाई चीपियोसिस इंडेक्स इज एवरेज नंबर ऑफ चीपियोसिस पर रेट। ओके, 209 हाईली इन्फेक्शियस क्लिनिकल फॉर्म ऑफ प्लेग इज न्यूमोनिक प्लेग। डोज ऑफ इक्वाइन एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी होती है? 440 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट। प्लेग इज कॉज बाई रेट फ्ली। स्क्रब टाइफस किससे ट्रांसमिटेड होता है? माइट से। एंडेमिक टाइफस ट्रांसमिटेड बाई लाउस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ क्यू फीवर एरोसोल। रिकेट से प्रोवज आके ट्रांसमिटेड बाई लाउस। रेस स्टार्टिंग पेरीफेरली इज ए फ्यूचर ऑफ क्यू फीवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 217 काला आजार सैंड फ्लाई मैन इज ए रिजर्वर। LDH टेस्ट इज पॉजिटिव। लेप्रोमिन टेस्ट स्प्रिट। लेप्रोसी कॉमनली किससे स्प्रेड होती है? ड्रॉपलेट से। मोस्ट कॉमन नर्व इन लेप्रोसी अल्नर नर्व। लेप्रोमेटस लेप्रोसी सिंगल ड्रग डेप्सोन कंटिन्यू 180 दिन तक लेनी पड़ती है। लेप्रोमिन टेस्ट किसके लिए होता है? प्रोग्नोसिस बताता है डिजीज का आउटकम अच्छा होगा या खराब होगा। लाइव एट्यूनेटेड येलो फीवर वैक्सीन कौन सी है? 17 डेज, कौन सी है? 17 डे, याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ MDT टू रिजॉल्व पॉसीबेसिलरी 6 मंथ। ड्यूरेशन ऑफ MDT टू रिजॉल्व मल्टी पॉलीवेसिलरी लेप्रोसी 12 मंथ। MTP इन इंडिया कैन बी कैरीड आउट टिल 20 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। इसमें जो MTP वाला क्वेश्चन है इस बार चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ पे, मतलब 24 वीक तक भी वैलिड है। ओके, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन इंडिया सेक्सुअल ट्रांसमिशन, एज ग्रुप 30 से 44 ईयर। इन HIV इन्फेक्टेड चाइल्ड विच वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, OPV नहीं देने। फर्स्ट केस ऑफ एड्स रिपोर्टेड 1984। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड पेरीनेटल से होता है। इसके बीच किससे होती है? सार्कोप्टिस के बीच से। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सेंक्रोइड लेस देन 7 डे। सिफिलिस का होता है 9 to 19 डे। विंडो पीरियड ऑफ HIV इन्फेक्शन इज 3 to 12 वीक्स। क्लस्टर टेस्टिंग यूज इन डिटेक्शन। क्लस्टर मतलब एक समूह में करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन फ्यू आवर। फूड पॉइजनिंग में होता है। अरबो वायरस डिजीज, येलो फीवर, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। SSP इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। क्रेटोमलेशिया इज एसोसिएटेड विद मीजल्स एंड डायरिया। ओके, उसके बाद आते हैं 240 पे। एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन इज सीन इन रेबीज, जापानीज एंसेफेलाइटिस। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं? एपिडेमिक टाइफस, KFD, जापानीज एंसेफेलाइटिस। वायरस डॉक्यूमेंटेड टू कॉज फीटल डैमेज, पार्वोवैरिसेला। इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 1 वीक, कोलेरा का होता है। शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा देन कोलेरा। एजेंट कैन बी यूज टू बायोटेररिज्म इज द प्लेग। क्लिनिकल फ्यूचर ऑफ बॉटुलिज्म, कॉन्स्टिपेशन, ऑक्यूलर नर्व पैरालिसिस और ब्लरिंग ऑफ विजन। पिलियोमॉर्फिज्म चिकन पॉक्स में मिलता है। डिजीज ट्रांसमिटेड बाई वाटर पोलियो होती है। लेप्रोमेटस इक्टेरस हिमोरेजिक इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाई रेड्स। साइक्लोप्स इज अ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर गुनियाबम। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने अभी 250 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड में हम और कुछ बात करेंगे।
ओके।